हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 11th ट्यूटोरियल है आयोनिक 3 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सर्विसेज के बारे में। देखिए, सर्विसेज को जनरेट करने के लिए आप लोग क्या ली कमांड चलाते हैं, आयोनिक जनरेट प्रोवाइडर टू डू सर्विस। टू डू सर्विस हमारी सर्विस का नेम है और ये सब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आप नेम चेंज कर सकते हैं अपनी सर्विस का, करना चाहते हैं तो, और इसमें एंटर दबाएंगे तो आपकी सर्विस एक क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम सर्विस यूज़ क्यों करते हैं ये सीखेंगे। सर्विस यूज़ इसलिए करते हैं ताकि देखिए, जब आप एक पर्टिकुलर कोड को बार बार रन करना होता है, अभी तो हमारे पास दो ही पेज हैं। लेट अस सपोज कीजिए आपकी ऐप में 50 पेजेस हैं और आपको एक ही कोड को बार बार यूज़ करना है, तो उसे बार बार लिखने के बजाय आप उसे क्या कर दीजिए, सर्विस में डाल दीजिए और उस सर्विस से उसे बार बार फैच करते रहिए। तो यही सही तरीका है। तो सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं हमने एक टू डू सर्विस नेम से। तो हम यहाँ देखेंगे फाइल में कुछ चेंजेस आ रखे हैं। आपका एक प्रोवाइडर्स नेम से एक फोल्डर आ गया, उसके अंदर है टू डू सर्विस नेम से एक फोल्डर, जिसके अंदर है टू डू सर्विस डॉट टी एस नेम की फाइल। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टू डू सर्विस डॉट टी एस फाइल को देते हैं एसटीपी क्लाइंट, यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसे हमें इम्पोर्ट करना होगा एसटीपी क्लाइंट को। तो यहाँ पर इम्पोर्ट कहाँ पर करेंगे, इसे हम करेंगे ऐप डॉट मॉड्यूल्स डॉट टी एस में। अगर यहाँ पर आप देखें तो इम्पोर्ट हो रखा है आपका टू डू सर्विस प्रोवाइडर। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं प्रोवाइडर, अगर यहाँ से आप प्रोवाइडर हटाते हैं या फिर नेम चेंज करते हैं तो होम डॉट टी एस में, सॉरी, जो टू डू डॉट टी एस सर्विस है, यहाँ पर जो इसका क्लास का नेम है ये भी आपको चेंज करना होगा। तो हमारे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम सिर्फ रखेंगे टू डू सर्विस। इस तरीके से इसे यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं, सेव कर लेंगे। यहाँ पर एपी मॉड्यूल्स में हम लोग क्या करेंगे, इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ से क्या करना है, इस टू डू सर्विस प्रोवाइडर को हटा देना, इतना बड़ा नेम नहीं चाहिए हमें, तो इसे भी यहाँ पर इस तरीके से हम लोग सेव कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में इम्पोर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो आपका होम डॉट टी एस है यहाँ पर भी इसे हमें इम्पोर्ट करना है। क्यों करना है इम्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले तो ऐप डॉट मॉड्यूल टी एस में जाते हैं और इम्पोर्ट को कॉपी कर लेते हैं और होम डॉट टी एस में जाएंगे और यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेते हैं। पाथ में थोड़ा सा चेंजेस होगा, पाथ में क्या चेंजेस होगा, यहाँ पर आएगा एक और डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि आपके एक और पीछे फोल्डर में है ये, इसलिए ये आ रहा है। आपका टू डू सर्विस प्रोवाइडर आ गया। अब देखिए, इसे इंपोर्ट कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में इसे डिक्लेयर करेंगे ताकि इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ सबसे पहले लगाते हैं एक कॉमा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट और इसे मैं नेम देता हूँ टू डू सर्विस कोलन और यहाँ पर लिखता हूँ टू डू सर्विस। इस तरीके से ये मैंने लिखा, यहाँ पर इसे सेव कर लूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, इस सर्विस में कुछ सर्विसेज क्रिएट करूँगा, जैसे कि ऐड होने की सर्विस। जब हम टू डू लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहीं से पुश करा देते थे टू डू लिस्ट में, यहाँ पर से इस कमांड से पुश करा देते थे। अब मैं क्या करूँगा, इस जो लाइन ऑफ कोड है 50 नंबर लाइन ऑफ कोड में क्या ऐसा कोड लिखूंगा जो क्या करेगा, सर्विस को कॉल करेगा, टू डू सर्विस को कॉल करेगा। उसमें एक आपका ऐड का क्या कहते हैं फंक्शन होगा, उसको कॉल करेगा, उसके बाद हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा सबसे पहले टू डू सर्विस में, सर्विस डॉट टी एस में जाता हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्टर के नीचे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक आपका मेथड बना लेता हूँ ऐड टू डू नेम से, और उस टू डू में क्या पास होगा, टू डू टेक्स्ट। और टू डू टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है हमारा, टू डू टेक्स्ट यहाँ पर से लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखा देंगे कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से, और यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट टू डूज। ये टू डूज अभी मैंने एक एरे डिफाइन नहीं किया, उसे मैं करूँगा डॉट पुश और इसके अंदर पास होगा टू डू टेक्स्ट, ये इसके अंदर पास हो जाएगा। ये टू डूज मैंने डिफाइन नहीं किया, इसके नीचे इसका रेड लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर इसे डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्राइवेट टू डूज इज इक्वल टू एरे का साइन बना दिया। अब देखिए, एरर हट गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐप जो हमारा होम डॉट टी एस था, यहाँ पर इस कोड को हमें चेंज करना है। अब इस चेंज में क्या करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसे कर दूंगा यहाँ पर से डिलीट और यहाँ पर लिखता हूँ टू डू सर्विस डॉट आपका ऐड टू डू और इस ऐड टू डू के अंदर आएगा आपका टेक्स्ट, टू डू टेक्स्ट। इस तरीके से सेव कर लेंगे इसे। अब देखिए, मैं इस टू डू सर्विस के अंदर एक और सर्विस बनाना चाहता हूँ, गेट वाली सर्विस। तो देखिए, अब देखिए ये हमारा एरे आ गया, इसे लेना भी पड़ेगा हमें, अभी तक तो हमने इसमें ऐड कर दिया, अब इसका डाटा लेना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फिर से गेट टू डू बनाऊँगा एक, तो इसके नीचे फिर से एक फंक्शन बनाएंगे गेट टू डू, इसका हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो गेट टू डूज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसे नेम दिया मैंने
कर्ली ब्रेसेस, और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हमारे टू डू एरे को, जो ये हमारा एरे है इसे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, और यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट टू डूज, इसको ये रिटर्न कर देगा, सेमाई कोलन, सेव कर लेंगे इसे। अब देखिए ये हमने इसे रिटर्न तो कर दिया है, अब इसे हम यूज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर इसे हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसे लिखते हैं इस तरीके से दिस डॉट टू डूज इज इक्वल टू दिस डॉट टू डू सर्विस डॉट गेट टू डूज, इस तरीके से। तो क्या होगा, अब हमारा सर्विस से एरे आ रहा है और इस टू डू में जा रहा है, और ये टू डू क्या है, ये वाले टू डू है, और हमने क्या करा है, इस टू डू सर्विस से ऐड किया है टू डू सर्विस को। अगर आप टू डू सर्विस डॉट टी एस में जाए, तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे एच टी पी पी क्लाइंट, जो आप एच टी पी पी जो आपका एंगुलर 4 से पहले का वर्जन था, एंगुलर 4.3 से पहले का वर्जन था, उसमें एच टी पी पी इम्पोर्ट करते थे, और एंगुलर एंगुलर एच टी पी पी से। लेकिन अब एंगुलर 4.3 से आगे आ चुका है, एंगुलर 5 रिलीज़ हो चुका है इस नवंबर को। तो देखिए हम इसे इम्पोर्ट करेंगे सबसे पहले ऐप मॉड्यूल्स में, तो हमें इसे इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कमांड एक इम्पोर्ट, कहीं भी लिख सकते हैं इम्पोर्ट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर लिखते हैं एच टी पी पी क्लाइंट मॉड्यूल इस तरीके से, और फ्रॉम सिंगल कोटेशंस एट द रेट एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश एच टी टी पी, इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे सेमी कोलन। अब देखिए इसे इंपोर्ट कर लिया हमने, तो इसे यहाँ पर से कॉपी भी कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पर इसके बाद नहीं भी कर सकते हैं, और इसे यहाँ पर सेव कर लेंगे। अपना कोड को चेक करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। इसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ टू डूज़ को, तो यहाँ पर लिखता हूँ टू डू वन, और फिर से ऐड करता हूँ एक और टू डू टू, ये मैंने ऐड कर लिया। इसे एडिट कर सकता हूँ मैं, इसे मूव कर सकता हूँ नीचे की तरफ, डन कर सकता हूँ, तो सेम पोजीशन पर रह रहे हैं, ये भी हमारा काम हो रहा है, आर्काइव्ड में भी हमारा जा रहा है। बैक करता हूँ इसे, ये आ गया हमारा। और अब देखिए हम इसे राइट स्वाइप कर रहे हैं, तो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट अभी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि डिलीट के लिए हमने सर्विस क्रिएट नहीं की है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।